बेताल पक्षी सी आठवीं कहानी। अंग देश के एक गांव में एक धनी ब्राह्मण रहता था। उसके तीन पुत्र थे। एक बार ब्राह्मण ने एक यज्ञ करना चाहा। उसके लिए एक कछुए की जरूरत हुई। उसने तीनों भाइयों को कछुआ लाने को कहा। वे तीनों समुद्र पर पहुंचे। वहां उन्हें एक कछुआ मिल गया। बड़े ने कहा, मैं भोजन चक हूँ, इसलिए कछुए को नहीं जाऊं छूंगा। मझला बोला, मैं नारी चंग हूँ, इसलिए मैं नहीं ले जाऊंगा। सबसे छोटा बोला, मैं सैया चंग हूँ, सो मैं नहीं ले जाऊंगा। वे तीनों इस बहस में पड़ गए कि उनमें कौन बढ़कर है। जब वे आपस में इतना फैसला न कर सके तो राजा के पास पहुँचे। राजा ने कहा, आप लोग रुकें, मैं तीनों को अलग अलग जांच करूंगा। इसके बाद राजा ने बढ़िया भोजन तैयार कराया और तीनों खाने बैठे। सबसे बड़े ने कहा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, इसमें मुर्दे की गंध आती है। वह उठकर चला। राजा ने पता लगाया तो मालूम हुआ कि वह भोजन शमशान के पास के खेत का बना था। राजा ने कहा, तुम सचमुच भोग चंग हो, तुम्हें भोजन की पहचान है। रात के समय राजा ने एक सुंदर वैश्या को मझले भाई के पास भेजा। जो ही हुआ वहाँ पहुँची कि मझले भाई ने कहा, इसे हटाओ यहाँ से, इसके शरीर से बकरी की दूध की गंध आती है। राजा ने यह सुनकर पता लगाया तो मालूम हुआ कि वह वैश्या बचपन में बकरी के दूध पर पली थी। राजा बड़ा खुश हुआ और बोला, तुम सचमुच नारी चंग हो। इसके बाद उसने तीसरे भाई को सोने के लिए 7 गद्दों का पलंग दिया। जैसे ही वह उस पर लेटा कि एकदम चीख कर उठ बैठा। लोगों ने देखा उसकी पीठ पर एक लाल रेखा खींची थी। राजा को बराबर मिली तो उसने बिछौने को दिखवाया। 7 गद्दों के नीचे एक बाल निकला, उसी में उसकी पीठ पर लाल लकीर हो गई थी। राजा को बड़ा अचरज हुआ। उसने तीनों को एक एक लाख अशर्फियाँ दी। अब वे तीनों कछुए को ले जाना भूल गए, वही आनंद से रहने लगे। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, तुम बताओ इन तीनों में से बढ़कर कौन था। राजा ने कहा, मेरे विचार से सबसे बढ़कर सैया चंग था, क्योंकि उसकी पीठ पर बाल का निशान दिखाई दिया था और ढूंढने पर बिस्तर में बाल पाया भी नहीं गया। बाकी दो के बारे में तो यह कहा जा सकता है कि उन्होंने किसी से पूछकर जान लिया होगा। इतना सुनते ही वे बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा लौटकर वहां गया और उसे लेकर लौटा तो उसने कहानी कही, 9वीं कहानी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।